इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। कांग्रेस पार्टी भले ही मोदी सरकार के विरोध में सड़कों पर न उतरी हो, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा अजमेर गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गया है। बाजीमो अजमेर ने बुधवार को अजमेर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात की थी, सरकार उसे पूरा करे। साथ ही गहलोत सरकार ने सूबे में अब तक कहीं भी किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, ये सरकार की वादा खिलाफी है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि राजस्थान में कुप्रदन के चलते जनता के काम नहीं हो रहे हैं, जिसका जवाब आगामी निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। देखिए, राजस्थान के अंदर लगभग एक साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में जिस तरह से इन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को एक तरफ किया, आम जन की कोई सुनवाई नहीं है और इन्होंने जो चुनाव के अंदर वादे किए उन वादों से भी विमुख हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर माननीय वसुंधरा जी ने स्टेट हाईवे के ऊपर जो टोल टैक्स था उसको माफ़ किया और इन्होंने वापस अभी टोल टैक्स को चालू किया। इसी तरह से इन्होंने चुनाव के अंदर 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके चुनाव जीत करके आए, लेकिन वो कितने लोगों को मिला, कितने को नहीं मिला, चालू हुआ नहीं हुआ, कोई उसकी स्पष्ट पिक्चर आज तक सामने नहीं है। न उन्होंने किसी यह पारदर्शिता है कि इतने लोगों को हम ये भत्ता दे चुके हैं, कितने लोग इनके पास में एनरोल हैं, इस बात की कोई जानकारी कोई देने वाला नहीं। इसी तरह से इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रबंधन जो इनका है, वित्तीय प्रबंधन, वो इतना चरमरा गया है कि जितने भी विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चालू हुए वो सब बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं। जो ठेकेदार लोग थे, जिन लोगों को टेंडर, जिनके पक्ष में टेंडर खुले, उन लोगों को पेमेंट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। साल साल भर से वो लोग जो है पेमेंट के लिए तरस रहे हैं और यही कारण है कि उनका काम बंद कर दिए और कोई भी विकास के कार्य कहीं भी चालू नहीं है। जहां अगर विकास की बात करते हैं, काम कराने की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट के लोग ही कहते हैं कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी स्थितियाँ पैदा हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास के कार्य में कहीं भी पैसा कोई रोड़ा नहीं बना, कहीं भी वित्तीय प्रबंधन खराब, बिल्कुल ऐसा बढ़िया था कि उसमें हर कार्य आराम से संपन्न हो रहे थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर अपने युवा मोर्चा के माध्यम से सभी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ये डिमांड की जा रही है कि आप इस टोल टैक्स को जो भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ किया और उन्होंने चालू किया, उसको वापस फ्री किया जाए। इसी तरह से 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो आप कह के सरकार में आए उसको तुरंत चालू किया जाए और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करते हुए जितने भी विकास के कार्य उनको शीघ्र चालू करें और लोगों के पेमेंट करें। ये आज सरकार के आँख खोलने के लिए आज ये प्रदर्शन और धरने का कार्यक्रम और ज्ञापन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कर रहा है।